जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज अभी अभी एक ऐसा मामला सामने आया है कि हमारे एक सैनिक जो कि छुट्टी पे हैं बिहार से, अभी तक केस ये है कि वो छुट्टी से, उनको छुट्टी बितानी पड़ रही है आर्मी कैंप के अंदर जाकर, यानी वो अपने घर पर छुट्टी नहीं बिता सकते। ऐसा एक बहुत बड़ा केस हुआ है और उनके माता पिता को लगभग एक हफ्ते से जेल में रखा गया है। हालांकि इस केस को पूरा खुलासा, वीडियो को आप पूरा देखें, सुने, समझें कि आखिर बात क्या है। इसमें उनके माँ बाप फौजी के हैं हमारे, जो उनके छोटे भाई ने एक नाबालिग लड़की जिसको भगा कर लेके गए, और ये सरासर गलत है। इस चीज में हम किसी का भी, किसी भी तरह कोई पक्ष नहीं लेते, किसी भी नाबालिग लड़की, क्योंकि किसी की भी कलना है, आपकी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। अगर ऐसी कोई भी घटना होगी तो वो सजा का हकदार है, चाहे फौजी का भाई हो, चाहे खुद फौजी हो, कोई भी हो। लेकिन उसके भाई ने गलती की है, वो भगा के ले गया है। अब काम है पुलिस का कि पुलिस उसको पकड़कर कानून के हवाले करे, उनके माँ बाप से पूछताछ कर सकती है, उनकी कॉल डिटेल निकाल सकती है या कुछ भी। लेकिन पुलिस ने कौन से एक्ट के तहत, मेरे को पता नहीं। अगर किसी को भी इस चैनल वीडियो को देखने वाले कोई भी कानून के हमारे जज साहब या पुलिस के बड़े अधिकारी हमें ये अवगत कराए कि अगर किसी का लड़का किसी को भगा के ले गया तो क्या उसके माँ बाप को जेल में रखा जा सकता है। दूसरा, उसका भाई जो कि फौजी है, छुट्टी पे आया हुआ है, अलग रह रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको भी जाकर पकड़ने की बार बार धमकी कि आप पुलिस स्टेशन में आओ, आपको भी गिरफ्तार करेंगे। इसलिए वो बेचारा छुट्टी का अपनी कैंसिल करके जो नजदीक आर्मी कैंप है उसमें जाकर रह रहा है। वहां हमारे जो आर्मी अधिकारी हैं उन्होंने चिट्ठी वगैरह लिखी है, कोशिश करी है, लेकिन पुलिस की कानों पर जो भी नहीं रह गई। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ से सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और शुरू होती है। जैसे अभी मेरी उस फौजी भाई से नहीं, लेकिन उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है, अब हम क्या करें। तो मेरा फर्स्ट फेज होता है कि जब भी चीजें कोई हम फाइल में जैसे लिखायत करते हैं, वो लिखित शिकायत वास्तव में काम तो बहुत आती है, लेकिन कई बार पुलिस अपनी एक्स्ट्रा, बोलते हैं ना, पहले यहाँ कहता था राठौड़ी पावर या ऐसी चीज जो होती, फाइल को दबा दिया जाता है, तो उस तरह उस आपकी शिकायत को दबा दिया जाता है और वो कागजों में दबकर दम तोड़ देती है। चाहे उस सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने तो दे दिया, अब हम क्या करें, पुलिस सुन नहीं रही। अब पुलिस को सुनाने का जरिया क्या है, पब्लिक। जब कोई भी चीजें पब्लिक में वायरल होती है, पब्लिक के बीच में आती है, और जब चारों तरफ से लोग, चाहे उसमें प्रशासनिक हो, चाहे आम आदमी हो, हर आदमी जब उस चीज को वायरल कर देता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देता है, जब पुलिस का दिमाग वास्तव में कहता है कि हाँ हमने उल्टा किया है। इसलिए मैंने कहा कि भैया तो इस केस में फौजी हमें वीडियो बनाकर दे, या फिर उनकी मैडम बोले कि मेरे पति फौज में, उनको परेशान किया है और सास ससुर को भी पुलिस उठा के ले गई है। अब हमारे यहाँ एक और दिक्कत आती है कि वीडियो, फौजी के माता पिता जेल में पड़े हैं 7 दिन से, उसको भी छुट्टी काटने नहीं दिया जा रहा है। आर्मी ने लेटर लिख दिया, लेकिन अब वो लेटर से काम कर नहीं रही पुलिस। तो इसमें क्यों अधिकार नहीं देती आर्मी कि भाई ठीक है, आप अपना जन पब्लिक के बीच में वीडियो बताओ, आप अपनी समस्या को, ताकि उसका हल हो और पुलिस के भी कान खड़े हों, क्योंकि इस देश लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है पब्लिक की। लेकिन वो वीडियो वायरल करता है तो वहां वही बात आती है, फिर आपने वीडियो वायरल क्यों किया, कानून लागू। हालांकि जो हमारे, मैं जो वकील हैं और वकीलों की टीम से हमने बहुत बार डिस्कस किया है, एक ऐसे ही हमारे एक सुबेदार साहब का जो वीडियो आया था जिसमें उनकी सिस्टर को जबरदस्त मार दिया गया था जलाकर, और उन्होंने वीडियो जारी किया था मदद के लिए, उनके वीडियो से बाद में पब्लिक ने पुलिस पर जोर दिया और उसमें उनको, गुनाहगारों को सजा हुई। लेकिन सजा के बाद में वही उनके ऊपर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी कि आपने वर्दी के अंदर वीडियो वायरल क्यों किया। फिर उनका मेरे पास फोन आया कि साहब ऐसे ऐसे वीडियो वायरल के लिए, डिलीट करने के लिए बोल रहे हैं, मेरे को सजा दे रहे हैं, कोर्ट मार्श कर रहे हैं। फिर मैंने अपने वकील से बात की, दो तीन वकीलों के और जो पैनल थे उनसे बात की, और उन्होंने बताया कि आर्मी एक्ट के अंदर सीधा सीधा एक दिया हुआ है कि आप आर्मी की कोई शिकायत है जो कि आपको आर्मी अफसर से हो या आर्मी रूल से हो, खाने की किसी भी चीज को आप पब्लिश करते हो,
उसमें ऊपर ही आपको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा सकते हैं कि पहले आप प्रॉपर चैनल जाओ, चैनल पर नहीं होती है, उसके बाद में लिखित दो इंटरव्यू लो, वहां रूल लागू होते हैं। लेकिन किसी की निजी जिंदगी, सैनिक भी एक इंसान है, कोई रोबोट तो नहीं है कि उसके बस सिर्फ उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, उसके भी माँ बाप हैं, उसके बच्चे भी हैं, उसके भाई बहन भी हैं, उसकी निजी लाइफ भी है जिसमें वो छुट्टी भी काटता है 3 महीने की, जैसे गवर्नमेंट बोलती है 100 दिन की, लेकिन सब कागजों में ढकोसला चल रहा है। और उस आर्मी के जो रूल में लिखा हुआ है कि अपनी निजी समस्या के लिए वो वीडियो के जरिए या समाचार पत्र के जरिए अपनी समस्या को रख सकता है, वो कोई जुर्म नहीं है। और वो उसके अंदर अगर ज्यादा टॉर्चर करते हैं तो वो कह सकता है कि मैं जिस परेशानी में था उस परेशानी के दबाव से मैंने वीडियो जारी किया था, उसके लिए कोई पनिशमेंट लागू नहीं है। लेकिन वहां हमारे अधिकारियों की, कई इस केस में तो ऐसा होता है कि मदद भी करते हैं, अच्छे अफसर भी हैं, लेकिन कई केसों में बोलते हैं कि नहीं, आपका सिविल का मामला है, हम क्यों करें, फलाना करें, उस केस में वो मदद भी नहीं करते। जब हम ऐसे वीडियो के जरिए मदद कर देते हैं, उसकी मदद होती है, तो फिर कहते हैं वीडियो डिलीट कर दो। क्यों? वहां हम इनकी सीधा बैंड बजाते हैं कि भाई तुम्हारे सीईओ ने क्यों नहीं फोन किया, या तुम्हारे जो अपने जो कैंची लगाकर बैठे हैं जनरल आर्मी कमांडर बन के बैठे, क्यों नहीं फोन करते। फिर वो कहते हैं कि वीडियो में जनता उनको भी गाली देती है कि बहन जो सिर्फ तनख्वाह किसके लिए ले रहे हैं, ऐसो आराम करने के लिए लगा कर ड्रेस पहनने के लिए, जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन में जो जवान है वो परेशान हो रहा है, उसकी आप मदद नहीं कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में फिर वो दबाव डालते हैं, बोलो रविंद्र फौजी से वीडियो डिलीट करो, उनके वीडियो से मत जुड़ो। क्यों भाई? अरे हम ये चैनल के जरिए अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। बहुत से जो अनजान लोग हैं जिनको पता ही नहीं, बोला आप तो फौज की बदनामी करते हो करते हो। नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि मेरी 3 पौड़ियां फौज में हैं, और हो सकता है मैं अपने बच्चे को भी भेजूं, मेरे दादाजी भी थे, पिताजी भी, मैं भी, और सारे सारे हम पेंशन ले रहे हैं, फौज का खा रहे हैं, और हो सकता है मेरा बच्चा भी जाए। फौज से हमें परेशान नहीं है, फौज में बैठे कुछ अधिकारी जो अपने निजी फायदे के लिए तो सारे आर्मी कानून को तोड़ देते हैं, चाहे वो जवान को सहायक प्रथा में कुत्ता घुमाने में यूज करना हो, चाहे मैडम के कच्छे बनियान तक धोना हो, किसी कानून में नहीं लिखा है कि कोई बंदा इनके घर में जाके या इनके बंगले में जाके सहायक रहेगा। जो सहायक का रूल लिखा हुआ है, वार स्टेबिलिटी जो बुक है WE, जिसमें हमारे जवान मैन पावर कहाँ कहाँ यूज होती है, उसमें लिखा हुआ है कर्नल एंड अबव को एक एक अर्दली लागू है, लेकिन वो किसके लिए? फील्ड के दौरान इनके हथियार, अभी अगर वायरलेस सेट में काम करते हैं तो इनके हथियार को पकड़ने के लिए, इनको सूचना आदान प्रदान करने के लिए। कोई भी कानून या कई आर्मी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि इनके बंगले पर जाकर कोई सैनिक काम करे। वहां ये रूल तोड़ते हुए एक कर्नल के पास 3 से 5 तक, जैसे ब्रिगेडियर के पास 5 से 10, और जैसे ऊपर कैचे वालों के पास तो 100-100 बैठे हैं। वहां आपका रूल आपके पिछवाड़े में घुसकर बैठा है, सारे कानून ताक पर रखकर जवानों से मनचाहा जैसा काम करवा रहे हो। लेकिन यही किसी वेलफेयर के लिए जवान छुट्टी मांग ले, या कोई और वेलफेयर हो जवान का, या सिविल में इस तरह के पंगे हो, तो ये सारे के सारे जो शेर बने गिदड़ बन जाते हैं। चलो वो मुद्दा तो अलग है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि यहाँ एक मुद्दा ये है कि जब खुद की कोई सैनिक की प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिपार्टमेंट उसको मीडिया में बोलने का अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। और वो आपके खिलाफ नहीं, उन लोगों के खिलाफ कर रहा है, पुलिस के खिलाफ, या पुलिस के भी उन ऐसे कानून जिसको वो नाजायज कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने उनको कहा, अगर वो वीडियो भेजते हैं तो मैं जल्दी इसी चैनल के जरिए उनका या उनकी वाइफ का वीडियो आएगा तो मैं पब्लिश करूंगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये आप लोगों का काम है। आप 5 लाख 5 हजार लोग जुड़े हो, एक बार अगर आगे 10 बंदों को शेयर करोगे तो ये जाएगा इतना, 5 लाख से ऊपर, 5 करोड़ से ऊपर, और वो चुटकियों में काम हो जाएगा। उसके माँ बाप आज उसके हैं, हो सकता है भविष्य में किसी और के हों, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो उसका भाई है जिसने गलत किया है, वो पनिशमेंट का हकदार है। ऐसा किसी गलती से भी नहीं सोचना कि हम किसी भी महिला या बच्ची किसी के साथ भी गलत करने वाले का साथ ना ये चैनल ना मैं खुद निजी जिंदगी में कभी नहीं दूंगा। लेकिन उसके माँ बाप, उसके भाई, इन लोगों को परेशान कर रही है पुलिस, ये सरासर गलत है। ना तो हमारे जो सिविल पैनल कोर्ट है, IPC, IS, जो भी जितने भी कानून बना हुआ है, उसके अंदर ऐसा कोई संविधान ने प्रावधान नहीं रखा है कि गलत करने वाले के माँ बाप को पनिशमेंट हो। लड़का बालिग है, नाबालिग केस के अंदर अगर लड़का भी नाबालिग हो तो उस केस के अंदर कुछ प्रावधान ऐसे हैं,
कि उसके तहत उसके माँ बाप के साथ सख्ती से पूछताछ करना या उनको गिरफ्तार करना। लेकिन लड़का बालिग है, लड़की नाबालिग है, आप लड़के को ढूंढो, जेल में डालो, कुछ भी करो, लेकिन उसके माँ बाप से पूछताछ कर सकते हो, लेकिन 7 दिन से उनको अंदर रखना कौन सा कानून इजाजत देता है, ये सरासर गलत है। हमने खुद जब J&K वगैरह में राष्ट्रपति शासन या ऐसा कुछ लगता है तो वहां सारी की सारी पावरें आर्मी के पास, फौज के पास होती हैं। ऐसा तो वहां हमें पता है कि सरेआम जो आतंकवादी, जो फौज के ऊपर, जिसके ऊपर इतना इनाम है, जिसके ऊपर इतने जवानों को मारने के, हत्या के आरोप हैं, और सरेआम वो धमकियां देते घूमते हैं, लेकिन हमने उनके माँ बाप, उनके परिवार या उनके भाई को कभी सेना तंग नहीं करती है, पूछताछ के लिए बुलाती है। हो सकता है कभी ऐसा केस में सख्ती से पूछताछ भी होती है, लेकिन किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया, नहीं तो J&K तो बहुत से लोग फिर अंदर होंगे और कब उनको ठोक दिया जाएगा। लेकिन सैनिक हर समय अपनी मर्यादा, सेना पूरे कानूनों का उकरती है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं, चाहे वो निजी प्रॉफिट के लिए हो, चाहे इस तरह, हो सकता है कि सख्ती करना, ऐसे केसों में सख्ती करना जायज है, लेकिन इतना नाजायज नहीं कि 7 दिन तक आप उसके माँ बाप को उठा कर ले जाओ, उसका भाई जो कि छुट्टी से आ रहा है उसको भी उठाने की कोशिश करो। आप लोगों को जो बात मैंने समझाई है, अगर आपको सही लगता है कि ये सही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल से ज्यादा जवानों को जोड़ कर रखो, ताकि हमारी खुद की आवाज, अभी बोलते हैं कि कोई न्यूज नहीं सुनता, कोई पुलिस नहीं सुन रही, उसका कारण क्या है कि हम संगठित नहीं है, हमारी संख्या करोड़ों में है, सैनिक और पूर्व सैनिक चाहें हिलाकर रख देंगे इन पुलिस और नेताओं को, लेकिन हम बिखरे हुए हैं, कोई किसी पार्टी में घुसा हुआ है, कोई किसी में, और कोई कुछ। इसलिए गलत के लिए साथ मत दो, लेकिन जो सही है, आपका हक है, उसके लिए लड़ो, चैनल से जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और कहीं किसी की भी समस्या आती है बनाओ आप वीडियो, आपको कानून अधिकार देता है, फौज के खिलाफ नहीं, आप अपने निजी परेशानी के लिए तो जाहिर कर सकते हैं। मैं, मेरा नंबर 8290354513, 8290354513 जो कि इसमें दे रहा हूँ, और चैनल की सहायता के लिए जैसे बीच बीच में बोलता हूँ, वो कुछ लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, मेरे ये फोन पे, गूगल पे सभी नंबर चालू है, जो सहायता कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। कुछ लोग गलत कमेंट्स कर रहे हैं, हमें वो करने की कोशिश करते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम वो इस चैनल से जुड़े हुए हैं और इन चीज़ों को देखते हैं, कहीं ना कहीं भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ताकि हमारी जो न्याय की लड़ाई है वो एक दिन हमारे साथ आए, और वो जरूर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।